Please subscribe and press bell icon for more videos. वेलकम व्यूअर्स, आपका स्वागत है माई एक्स्ट्रा क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्ट मीटर टू इंचेस एंड इंचेस टू मीटर। तो पहले हम देखते हैं मीटर को इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली जो होता है एक मीटर होता है इक्वल टू 39.37 इंचेस, मतलब एक मीटर 39.37 इंचेस का होता है, ठीक है ना। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। मान लीजिए हमें दे रखा उन्होंने 10 मीटर, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम इंचेस में। तो हम सिंपल सा पता है फार्मूला, 10 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको हम देखेंगे, 1 की जगह हम ले लेंगे 10, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 39.37, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी चीज़ को तो उसका हमको फॉर्मूला पता ही है कैसे वो करेंगे उसको। यहाँ पे हम उसका डेसिमल होता है, जो एक डेसिमल आगे कर देंगे, सिंपल सा होता है। इसका इक्वल हो जाएगा 3.7 इंचेस, ठीक है ना। तो 10 मीटर हो गया 393.7 इंचेस। तो कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7 मीटर, जब फिर डेसिमल में लेते हैं अभी, चलो अभी लेते हैं डेसिमल में 7.5 मीटर को ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे इंचेस में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखेंगे कितने इंचेस होते हैं। तो 7.5 को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 39.37 से, ठीक है ना। 3 तो इसमें देखेंगे 7.5 इंटू कर देंगे हम 39.37, तो इसका आंसर आ जाएगा 295.27। मीन्स जो 7.5 मीटर है वो इक्वल है 295.27 इंचेस के, 7.5 मीटर इज इक्वल टू 295.27 इंचेस, ठीक है ना। तो हमारा नॉर्मल भी क्लियर हो गया और डेसिमल वाला भी क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने मीटर में को कन्वर्ट कर लिया इंचेस में, अभी इंचेस को करेंगे कन्वर्टर मीटर में। तो यहीं पे भी वही सेम फॉर्मूला, 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, कहीं पे भी उन्होंने दिया हमें 50 इंचेस को कन्वर्ट करना है हमें मीटर में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे हो जाएगी डिवाइड की। मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू, इंचेस में देखेंगे, 1 डिवाइड बाय 39.37। तो अभी इसी को यहाँ पे फिट करते हैं, 1 मीटर तो देखेंगे कितना बनेगा, तो यहाँ पे मीटर हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 50 इंचेस, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे 39.37 से, 1.27, ठीक है ना। तो डेसिमल भी आप जितना मर्जी आके ले जाओ। तो इसका हो गया 50 इंचेस इज इक्वल टू 1.27 मीटर। तो यहाँ पे हमने मीटर को इंच में कन्वर्ट करके देख लिया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने इंचेस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर आप कोई चाहते हैं कोई और एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, डेसिमल की लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो डेसिमल की एग्जांपल ले लेते हैं अभी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम, थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, 100.5 इंचेस का, ठीक है ना। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया है,
ठीक है ना, 100.5 डिवाइड बाय 39.37, तो इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 100.5 डिवाइड बाय 39.37, इसका आंसर आ जाएगा 2.25, 2.55 मीन्स 100.5 इंचेस इज इक्वल टू 2.55 मीटर। तो होप, मुझे लगता है आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई हो। अगर समझ आ गया है तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर कुछ आपको और टॉपिक चाहिए हो किसी तरीके का, तो वो हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।